बिलासपुर में नए साल से पहले एक दिन जनवरी को लेकर कानन पेंडारी जू प्रबंधन ने तैयारियां पूरी कर ली है। वहीं नए साल के अवसर पर प्रत्येक परिवार घूमने के साथ साथ पर्यटन स्थल पहुंचते रहे। वहीं इस वर्ष भी कानन पेंडारू जू में 2500 से अधिक की संख्या में पर्यटकों के बढ़ने की आशंका है, जिसके तहत सुरक्षा और व्यवस्था को लेकर प्रबंधन द्वारा विशेष तैयारियां की जा रही है। बता दें कि कानन पेंडारी जू प्रबंधन की ओर से 1 जनवरी को कानन पेंडारी जूलॉजिकल गार्डन में प्रवेश करने सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक पर्यटन के लिए खोला जा रहा है। तो वहीं रख रखाव को लेकर 2 जनवरी को कानन पेंडारू जू के अंतर्गत व्यवस्था बनाए रखने के बंद रहेगा। के लिए हमें उम्मीद है कि 20 से 22 हज़ार के लगभग कम से कम पर्यटक आएंगे। उसके आधार पे हम सारी व्यवस्था दुरुस्त कर रहे हैं और हमने भीड़ को नियंत्रण करने के लिए टिकट काउंटर भी 7-8 का हमने तय किया है। और जैसे भीड़ का कारण अपना वाहनों का भी भीड़ बढ़ेगा, तो हमने डबल पार्किंग का भी इंतजाम किया है। उसके अलावा भीड़ को नियंत्रण रखने के लिए हमने पुलिस सहायता और ट्रैफिक पुलिस की सहायता और भी अन्य विभागों से, हमारे फॉरेस्ट से भी हमने स्टाफ मंगाया है, ताकि हमें भीड़ को नियंत्रण करने में आसानी हो।